राम राम बे सारे बहन भाइया ने और बेटे बेटिया ने ढेर सारा प्यार। और आज है बे 31 दिसंबर और आज हम जावा हाँ रोहतक। रोहतक कविता की एक कविता की फ्रेंड है उसके यहाँ पे जागरण है बे। आज की रात हम रवांगे रोहतक जागरण में। तो पहले ही आप लोगों ने कल से बे नया साल आने लग रहा है, तो एडवांस ने आप लोगों को नए साल की ढेर सारी बधाई दे हूँ बे। क्योंकि कल के बेरा भैया हम लेट सेट आवा, सुबह मैं नहीं दे पाऊँ, इसलिए आज दे देती हूँ। भगवान आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, गम की परछाई भी आप लोगों के आसपास नहीं आए। और नुका कर रहे हैं बे सबकी निरोगी काया दे भगवान, नुका कर रहे हैं कि निरोगी काया सबका बड़ा सुख वे। जिस किसी की भी काया में कोई भी रोग हो भगवान जल्दी से उसको ठीक करे। और बेबे कल एक दो दिन टाइम ही नहीं मिला मेरे को व्लॉग बनाने का, कल भी शाम को सोची थी व्लॉग को पूरा करूंगी, लेकिन कोई आ गया बेबे, फिर बातें करने लगी, फिर वहाँ 2-3 घंटे मतलब वही बातचीत करने लगे वे पहले के जकरे चल पड़े। पहले ऐसे होया करता ऐसे होया करता, सच में पहले का टाइम बहुत ही अच्छा था वे। हम ऐसे मजाक कर रहे थे कि एंटीना घुमाया करते, नीचे खड़े होकर देखा कर दे, वो सारा बचपन कल हम याद करने लगे वे। फिर वो लोग बनाना सब भूल गए, बैठ कर बातों में इतना मजा आया कि पूछो ही मत। भाई सही कहे है, पहले देखो काम भी होया कर दे, लोग हाथा तक काम कराया कर दे, बाग्या मशीनी युग। आजकल का मशीनी युग में लोग रिश्तों से ज्यादा पैसे को अहमियत देवे हैं, पैसा चाहिए सबको, पैसे की भाग दौड़ में भागते रहे हैं। जो अपना मेल मिलाप वो सब छूटता जा रहा है, तो उसी के बारे में चलो मैं एक आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ आज की। लालच के ऊपर कहानी है एक। तो एक नाई था वे, जैसे अपना बाल बुल काट का अपना गुजारा कराया करता, ठीक है, ठीक सा काम चल रहा था उसका, भाई थोड़े बहुत पैसे मिल जाते, गुजारा हो जाता। एक दिन राजा ने पता चल गया बेबे, राजा बोला तो कि आप हमारे राज दरबार में आओ और वहाँ पे बाल काटा करो। तो नाई बोला ठीक है, अच्छी को खासी बोले मैं आपको पैसे दूंगा, आपकी बढ़िया इनकम हो जाएगी। तो वे नाई जाकर ना उड़े राजा का यहाँ पे बाल काटन लग गया और वे अच्छे खासे पैसे दिए राजा ने, तो उसका बढ़िया काम चल पड़ा, बालक भी बढ़ने लगे, सुथरा घर हो गया, मतलब कि बढ़िया सही काम आ गया, 4 पैसे भी बचाने लगे, हंसी खुशी तय अपना जीवन व्यतीत करने लगे वे। तो ऐसे करते करते मतलब एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो एक दिन वो राजा के यहाँ से घर पर आ रहा था, तो वे एक भविष्यवाणी हुई, यम ने बोला कि मैं आपको 7 घड़े मतलब सोने के पैसों के, सोना चांदी के और पैसों के दूंगा 7 घड़े। तो वो नाई बोला ठीक है, तो घर आ गया तो 7 घड़े उसके सोना चांदी के इन सब के हीरे जवाहरात के भरे और 6 घड़े पूरे भरे थे और 1 घड़ा था बे आधा घड़ा था। दोनों मियाँ बीबिया ने देखा कि यो घड़ा आधा है और 6 तो अपने ये पूरे भरे हुए हैं, क्यों ना आप और पैसे कमा कर और मेहनत करके ना इस 7वें घड़े को भी भरांगे। उसकी औरत भी बोली ठीक है, तो बे और मेहनत करने लग गया वो, मेहनत कर 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 ना वो पैसे ले लिया कर उस घड़े में डाले और बे वो घड़ा ही नहीं भरे, कितनी मेहनत कर ले फिर वो घड़े में डाला घड़ा ही नहीं भरे। तो अब वो इतना परेशान रहने लग गया और ज्यादा मेहनत करने लग गया, परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा वो घड़ा भरने के लालच में, और आगे के आगे काम करते रहने लग गया। धीरे धीरे अपनी जो बेसिक जरूरतें थी उनमें कटौती करने लग गया, मतलब जो घूमने फिरने जो भी अपने ऊपर खर्च कराया करते पैसे वो भी बचाने लग गया, वो भी घड़े में डालने लग गया कि 7वां घड़ा भरांगे। इससे भी उसका जीवन मतलब दुखी भी हो रहने लग गया, वो हंसी मजाक जो परिवार के साथ मेल मिलाप था वो भी उसका खत्म होने लग गया। धीरे धीरे परेशान रहने लग गया, वो पैसे का दिमाग में रहता है कि ये 7वां घड़ा भरना कैसे है। तो उसकी बीबी बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाता, वह भी दुखी आप भी दुखी, तो पूरी टेंशन में नींद नहीं आया करती उसको, वही वेदन रहा करती।
तो एक दिन राजा ने देखा, राजा बोलिया उससे कि भाई तू पहले तो बड़ा खुश रहा करता, मतलब खुश मिजाज था, मतलब तेरा सुखी जीवन व्यतीत हो रहा था, तो अब क्या हो गया, अब तू इतना परेशान रहा है, दुखी है। तो वो नाई बोलिया कि राजा कि मैंने ऐसे ऐसे 7 घड़े यम ने मेरे को दिए थे कि 6 घड़े तो उसमें भरे हुए थे और 7वां घड़ा खाली था, मतलब वादा था, और मैंने सोची उसने भर लूँ, मेरे पर वो घड़ा ही नहीं भरा जाता। बोली मैंने सारे जतन कर लिए, वो घड़ा नहीं भरा जाता। जब राजा ने बोला वो 7वां घड़ा कोने भरा है, तुम्हें सारे घड़े उल्टे दे दे, वो 7वां घड़ा है लोभ का, लालच का, वो कदे नहीं भर सकता वे, लोभ लालच का घड़ा कदे नहीं भर सकता, कितना ही भी है लो। आदमी फिर भी नहीं सोचेगा मैं और करूं, फिर मैं और करूं, फिर मैं और करूं। जब राजा बोला मैं 7ों घड़े यम को वापिस कर दे, जब उसने नाई ना बे वह 7ों घड़े यम को बोले तू अपने घड़े ने ले जे, मेरे पास जितना है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, उसी में खुशी हूँ, खुश हूँ। जब जाकर बे उस नाई का जीवन दोबारा से सुखी जीवन व्यतीत करने लगा वो। तो मैं इस कहानी के जरिए ये बताना चाहूँ सब ने कि बे जो भगवान ने अपने ती दे रखा है ना, उसमें खुश रहा करो, संतुष्ट रहा करो कि भगवान आपने जो मेरे को दिया, मालिक तेरा शुक्र है, और उसमें ही संतुष्ट रहा करो। हाँ काम तो जरूर करना चाहिए, देखो काम तो कर्म होया करे है, काम करते रहो, लेकिन वो पूरा मतलब अपना पूरा जीवन वो पैसे कमाने की भाग दौड़ में मत लगाओ। जो भी आप कमाओ हो वो उसका मतलब आप 100 रुपये कमाओ हो तो उसके 20 या 30 रुपये अपने शरीर का ध्यान रखा करो, ताकि कोई शरीर में आपका रोग ना लगे, और अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान रखा करो। ये नहीं कि भाई मैं उनका गला घोट कर पैसे जोड़ लूंगा, वो पैसा कितने जुड़दा ना, उस आदमी ने सुखी सुख मिल सकता कदे भी। तो भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना सीख्या करो, न्यू तो ऊपरली पैड़ी तो किसी ने कौन ठाई है, और मारते भी ऊपर ऊपर, पता नहीं कितनी दुनिया कितने पैसे लोगों के पास है, वो कदे भी पकड़ नहीं हो सकती। हमें ये भी तो देखना चाहिए, नु क्या करना, अपने तो नीचे देख कर दिन तोड़ने चाहिए। अपने तो नीचे भी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जितना मारती भगवान ने दे रखा उतना उनके पास भी नहीं है। तो जो दे रखा है ना उसमें संतुष्ट रहा करो। कई मेरी बहन बेटियां कहते हैं भाई आंटी आप जितनी अच्छी सास हो, मेरी सास ऐसी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ये तो अपनी किस्मत की बात होया करे, आप अपनी सा आप अपने आप को बदलो, आप भी कोशिश करो, वह भी कोशिश करेंगी तो जरूर रिश्ते भी सुधरेंगे। कोशिश जरूर करो बेबे, आप ये देख लो कि सासू मामा के कमी है और मेरे में के कमी है, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करो बे, तो जरूर कि मन को मैं सुधार होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कहने लग जाओगे तो मैं अगली बार एक और नई कहानी लेके आऊंगी, बहुत बढ़िया सी। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी और आप लोगों को इसे क्या शिक्षा मिली जरूर बताना बे कॉमेंट करके। चलो फिर ई बाम तैयार हो रही हाँ बे, आम जावा हाँ रोहतक, और कल फिर से कहूँ एक बार, नया साल है, एडवांस में सबने नए साल की इतनी सारी खुशियां दे भगवान, सबको इतनी सारी खुशियां दे, बहुत बहुत बधाई हो बे। चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, और कमेंट करके बता दिया करो, और जो नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर कर दिया करो बे, और लाइक जरूर कर दिया करो। चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम सबने, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे ही खुश रहो, नया साल आपको ढेर सारी खुशियां दे। लो बे ईब है यह वीडियो, कनाडा की भतीजा गया था ना जो ईब पीछे, उसने भेजी है वे, देखो कनाडा का नजारा देखो, कितनी बर्फ पड़ने लग रही है, पता नहीं बहुत नीचे टेम्परेचर जा रहा है वे, वहां का बहुत ज्यादा ठंड है अभी वहां पर, तो ये देखो कैसे बर्फ पड़ रही है। 2-3 दिन पहले भी कही थी मैंने, बोले भेजूंगा बुआ, इतनी सारी बर्फ पड़े है यहाँ पे, बहुत ठंड हो रही है, बोली बाहर निकलने का ही मन नहीं करता बे। लो आप भी कनाडा के नजारे ले लो, बर्फ पड़ा है, पर वीडियो बनाने का भी जी नहीं करता, जब हाथ एकदम जाए 1 मिनट में पूरा 30 सेकंड में मैं पूरा पैक होके निकल जाऊं।
ठीक है। पढ़नी शुरू हो गई है बस ये।